अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन। सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे कोरिलेशन वर्सेस काजेशन। एक चीज़ होती है काज एंड इफेक्ट रिलेशन और एक चीज़ होती है कोरिलेशन। अब जो कोरिलेशन है इसका मतलब है दो वेरिएबल्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे ना ही डिपेंड कर रहा है और ना ही कोई इंडिपेंडेंट है इसमें, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट हैं, कोई काज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है। इसकी कोई मिसाल आपके जहन में हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, शहर में मरने वालों की तादाद और जूतों की प्राइसेस, इसका कोई हो सकता है बड़ा हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाए, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन आ जाए, लेकिन इसका काज एंड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मरने वालों की वजह से जूते महंगे हो रहे हैं या जूते महंगे होने की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। काज एंड इफेक्ट रिलेशन इसमें नहीं पाया जाता, जबकि रेग्रेशन में काज एंड इफेक्ट रिलेशन पाया जाता है। कोरिलेशन में काज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं पाया जाता, जबकि रेग्रेशन एनालिसिस में काज एंड इफेक्ट रिलेशन पाया जाता है। यानी रेग्रेशन में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। जैसे सब्जियों की कीमतों का बढ़ना पेट्रोल की प्राइसेस के बढ़ने की वजह से रेग्रेशन रिलेशन पाया जाता है। कोरिलेशन भी पाया जाता होगा लेकिन काज एंड इफेक्ट नहीं उसमें होता। क्या किसी को क्लियर हुआ ये पॉइंट? दो चीज़ें मैंने बयान की इसमें। एक मैंने बयान किया कि कोरिलेशन होता है जिसमें दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन होता है, वो रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव तब होगा अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे कि ये एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है वाई वेरिएबल भी बढ़ रहा है। अब ये की वजह से नहीं बढ़ रहा कि एक्स के बढ़ने की वजह से वाई बढ़ा, अगर ये की लगा देंगे तो फिर तो काज एंड इफेक्ट रिलेशन हो जाएगा, जबकि कोरिलेशन में काज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं होता। ये किसी भी तरह से दोनों की सेम डायरेक्शन हो, अगर एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं या फिर दोनों कम हो रहे हैं, तो फिर जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। गॉट इट? कोरिलेशन को आर से शो करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम ना हो, फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल जो है वो तो बढ़ रहा है लेकिन वाई वेरिएबल वो कम हो रहा है, या फिर एक्स वेरिएबल तो कम हो रहा है और वाई वेरिएबल तो बढ़ रहा है, जब डायरेक्शन सेम ना हो तो इसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। गॉट इट? ये चीज़ समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव पेपर भी बन जाता है, एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं, हम कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ भी यही चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोरिलेशन को आर से शो करते हैं, ठीक है। और कोरिलेशन की रेंज क्या होती है? इट रेंजेस फ्रॉम -1 to +1। यानी आर का जो आंसर होगा वो -1 से +1 के दरमियान में होगा। अगर आपके आर का आंसर आ जाए 2, आपका आर आ जाए 2, इसका मतलब आपका कोरिलेशन गलत हो गया, ठीक हो गया। अब इसका मानी क्या होगा? फिर इसका मतलब होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, नो कोरिलेशन, यानी कि दोनों वेरिएबल्स में कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना ये ना नेगेटिव, ठीक हो गया। और अगर 1 कोरिलेशन आ जाए तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट रिलेशन, ठीक है। अगर +1 आएगा आंसर तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव परफेक्ट या परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर -1 आ जाएगा तो इसे हम कहेंगे नेगेटिवली परफेक्ट कोरिलेशन या परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन।
गॉट इट। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हम ये करेंगे, अब देखें कि जीरो कोरिलेशन हो तो इसका क्या मतलब होगा, नो कोरिलेशन। अगर आर ज़ीरो होगा तो नो कोरिलेशन। अब माइनस और पॉजिटिव की सेंस में देखते हैं, बढ़ाते हैं इसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इसके बाद आ जाएगा 1। ठीक है, ये पॉजिटिव हैं, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, और इधर नेगेटिव यही वैल्यू 0.-0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और -1। ये +1 है और वो -1 है। अब कैटेगराइजेशन कैसे होगी, अगर आपका जवाब इसमें आता है, बल्कि हम इसे 3 तक रखेंगे, तो इसे हम कहेंगे माइल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। इसे हम माइल्डली पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिवली माइल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका जवाब इस सरहद पे आता है, यानी कि 0.4, 0.5 आता है, तो इसे मॉडरेट कोरिलेशन कहेंगे, या पॉजिटिवली मॉडरेट, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। जो भी साइन होगा वो साथ एक्सप्लेन होगा, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में मदद देगा, अगर MCQs आ जाएं, उसने कहा 0.9 कोरिलेशन है, तो नीचे ऑप्शन हो माइल्ड कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, तो आप कौन सा क्लिक करेंगे जी। अगर फॉर एग्जांपल 0.6 हो या 0.3 हो, कोरिलेशन हो, उसने आपको MCQs में क्वेश्चन बना के दे दिया कि 0.3 कोरिलेशन है, इसे क्या कहेंगे, नीचे ऑप्शंस दे दी, माइल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, माइल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये माइल्ड लेवल पे आ रहा है और इसके साथ साइन कौन सा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है इसे हम हाई कोरिलेशन कहेंगे। ये ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये 6 भी इसमें आ जाएगा, ये 7, 8, 9 जो है इसे हम हाई कोरिलेशन कहेंगे, या हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, या पॉजिटिवली हाई कोरिलेशन। और फिर एक 1 आ जाता है, 1 को परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। अगर तो +1 है तो फिर पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। और अगर -1 है तो इसे नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। 1 होने के बिना पे इसे परफेक्ट कहा गया, ठीक है, और साइन इसका साथ में एक्सप्लेन हो जाएगा। परफेक्टली नेगेटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिवली परफेक्ट भी कह सकते हैं। यही चीज़ें इधर भी होंगी। 0 का तो आपको पता चल गया कि नो कोरिलेशन, 1 से लेके 3 तक माइल्ड की रेंज हो जाएगी, माइल्डली नेगेटिव या नेगेटिवली माइल्ड, और 4 से 6 तक मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन, और फिर 0.7, 0.8 और 0.9 जबकि माइनस में हो तो इसे हाईली नेगेटिव कहेंगे, या नेगेटिवली हाई, ठीक है। क्या समझ आ गया, ये इसमें कोई उबहाम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये हाई कोरिलेशन है, इसे स्वेयर कोरिलेशन कह देते हैं, इसके कई नाम हैं, आप ज़रा सोचिएगा। मॉडरेट दरमियाना दर्जा, मॉडरेट का अगर कोई और भी लफ्ज़ बनता है तो वो कहा जा सकता है। माइल्ड को क्या कहा जा सकता है, मिनिमम भी कह देते हैं, माइल्ड को मिनिमम भी कहते हैं। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, पेपर में मिनिमम यूज़ हो रहा है, मैंने माइल्ड कहा है, आपने थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करनी। अब हम आगे चलेंगे, जो चीज़ें मैंने कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन की एक्सप्लेन की हैं, मैं चाहूँगा वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। क्या आपको समझ आई रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या फ़र्क है।
वो फ़र्क हम दोबारा से रिपीट करते हैं और फिर हम कोरिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। कोरिलेशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? कोरिलेशन की टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, इस पर डिटेल से हम लेक्चर करेंगे, और दूसरी कैटेगरी होती है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब एक बात याद रख लें कि जब भी आपको पेपर में आएगा फाइंड द कोरिलेशन, कोई शर्त आयद नहीं उसने की, तो आपने पियर्सन प्रोडक्ट ही निकालना है। कौन सा निकालना है? पियर्सन ही निकालना, जो मैं आपको पहले सिखाऊंगा। अगर उसने रैंक का वर्ड बोल दिया, या उसने स्पीयरमैन्स रैंक कह दिया, या स्पीयरमैन ही कह दिया, या इवन ऐसे कह दिया आर एस फाइंड करें या आर पी फाइंड करें। एक साल ऐसा भी हुआ कि पेपर में आर एस और आर पी की टर्म आ गई, किसी को पता ही ना चले ये क्या फाइंड करना। आर एस स्टैंड्स फॉर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, आर पी स्टैंड्स फॉर पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट। ये एस स्पीयरमैन का है और ये पी पियर्सन का है, आर किसका है? कोरिलेशन का। गॉट इट? द फैक्ट दैट आर एग्जिस्ट्स बिटवीन टू वेरिएबल्स डज नॉट इम्प्लाई एनी काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान आर पाया जाता है, कोरिलेशन पाया जाता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसमें काज एंड इफेक्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, शहर में मरने वालों की तादाद रेशियो और शूज़ प्राइसेस, हो सकता है ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन हो, इसमें परफेक्ट कोरिलेशन भी आ सकता है, लेकिन इसकी वजह कोई तीसरा वेरिएबल होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। शहर की आबादी इतनी है कि शराब मवाद बहुत ज़्यादा है और जूता भी बहुत बिकता है, तो लिहाजा जूते की प्राइस भी अप रहती है और मरने वालों की तादाद भी ज़्यादा रहती है, तीसरा वेरिएबल वजह बन रहा है ना। जबकि ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट उनमें कोई रिलेशन पाया जाए। रिलेशन हम किस में देखेंगे? कोरिलेशन भी तो एक रिलेशन है, लेकिन ये हरगिज़ काज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है। रिलेशन हम देखेंगे रेग्रेशन में, रेग्रेशन रिलेशन देखेंगे, उसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई वेरिएबल दे देते हैं, या वो एक्स और वाई वेरिएबल्स के नाम ये नहीं रखता, एक वैल्यूज़ की देता है वो कॉलम और दूसरा भी वैल्यूज़ का कॉलम देता है। पहले कॉलम पे वो लिख देता है फादर्स करेक्टरिस्टिक्स, दूसरे कॉलम पे वो लिख देता है सन्स करेक्टरिस्टिक्स। तो अब इसमें से कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट हुआ, कौन सा डिपेंडेंट हुआ? वजह, क्योंकि बेटा बाप पे जाएगा, बाप बेटे पे जाने से रहा, शाबाश। इसी तरह से अगर पेट्रोल प्राइसेस और वेजिटेबल प्राइसेस दी गई हों, तो कॉमन सेंस क्या कहती है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? पेट्रोल प्राइसेस इंडिपेंडेंट होंगी। पेट्रोल प्राइस जो है उसका बढ़ना कम होना वेजिटेबल को मुतासर करेगा, वेजिटेबल का बढ़ना कम होना पेट्रोल को मुतासर नहीं कर सकता। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो फिर उसका मंडी ले जाना, बाज़ार आना सब्जियों का, ज़ाहिर है किसी ट्रांसपोर्टेशन से ही आएगा, तो फिर उसका भी रेंट पड़ जाएगा साथ और वो बढ़ जाएगी कीमत। गॉट इट? ऐसे कॉमन सेंस यूज़ करनी है, ठीक है। और वरना एक सिंपल मेथड होता है कि पहले कॉलम को एक्स मान लें, दूसरे कॉलम को वाई मान लें, ठीक है। लेकिन टफ़ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ये किस में करना है? हमने रेग्रेशन एनालिसिस में। ठीक हो गया? नहीं समझ आ रही? टू अनरिलेटेड वेरिएबल्स सच एज द सेल ऑफ शूज एंड द डेथ रेट फ्रॉम कैंसर इन अ सिटी मे प्रोड्यूस अ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन विच मे बी ड्यू टू अ थर्ड अननोन वेरिएबल नेमली द सिटी पॉपुलेशन। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि मरने वालों, कैंसर से मरने वालों की तादाद और शूज़ प्राइसेस, हो सकता है इनमें हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जनाब कोई एक वेरिएबल दूसरे को मुतासर कर रहा है, वो कोई तीसरा वेरिएबल है सिटी पॉपुलेशन, यानी कि शहर की आबादी इतनी ज़्यादा है उस वजह से ऐसा हो रहा है। द लार्जर द सिटी द मोर कंजम्पशन ऑफ शूज़, जितना बड़ा शहर है उतना ही वहाँ जूते की फराहमी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड द हायर विल बी द डेथ रेट फ्रॉम कैंसर, और जितना बड़ा शहर है वहाँ ज़ाहिर है फिर शराय मौत भी ज़्यादा होगी।
clearly this is a false or a merely incidental correlation. इसको हम कहेंगे कि ये correlation जो है ये वाक़ियाती या incidental है, हादसाती तौर पे ये चीज़ रूनमा होगी कि उनमें correlation positive आ गया, वरना cause and effect relation तो नहीं है इसमें। ऐसा तो नहीं है कि कैंसर से मरने वालों की तादाद की वजह से शूज़ प्राइस बढ़ी। की वजह किस में देखेंगे? रेग्रेशन में। शाबाश। विच इज़ द रिजल्ट ऑफ अ थर्ड वेरिएबल द सिटी साइज कोरिलेशन लाइक को वेरियंस। कोरिलेशन का मतलब है दो वेरिएबल्स का वेरी करना, चेंज होना। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है मुल्तान को, एक गाड़ी जा रही है लाहौर को। ऐसा नहीं है कि मुल्तान को जाने वाली गाड़ी की वजह से वो दूसरी गाड़ी लाहौर को जा रही है। दोनों अपने अपने रूट पे इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। इसे कोवेरियंस कह सकते हैं कि एक ही बस स्टॉप से दोनों ने मूव किया एट अ टाइम। ऐसा हो सकता है ना, कोवेरियंस हो सकता। कोरिलेशन कोवेरियंस है। इज़ अ मेजर ऑफ अ डिग्री टू विच एनी टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। ये उस चीज़ को मेजर करता है कोरिलेशन के दो वेरिएबल्स का इकट्ठे मूव करना, चेंज होना। किसी में कमी आ सकती है, किसी में बढ़ोतरी आ सकती है, इजाफा हो सकता है। गॉट इट। जबकि कॉजेशन व्हेन वन वेरिएबल मूव्स या चेंज इन एन अदर वेरिएबल और मे काज टू चेंज द अदर वेरिएबल या फ्रॉम अदर वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल की चेंज दूसरे वेरिएबल को मुतासर कर दें, ये होगा रेग्रेशन में।